क्या परिणीति चोपड़ा राघव चड्ढा के लिए हैं अनलकी? जब से परिणीति चोपड़ा राघव की जिंदगी में आई है, राघव पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। सबसे पहले राघव का घर जाते जाते बचा और अब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने मानहानि केस में ट्रायल कोर्ट द्वारा जारी किए गए समन को रद्द करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता छल बिहारी गोस्वामी द्वारा दायर किए गए मानहानि केस में उन्हें बरी किए जाने को लेकर के हाईकोर्ट का रुख किया है। ये तमाम बातें इसलिए की जा रही हैं क्योंकि एक के बाद एक राघव चड्ढा की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं और राघव चड्ढा की मुश्किलें तब ज्यादा चर्चाओं में आ रही हैं जब राघव की शादी हो गई। लोगों ने परिणीति चोपड़ा को राघव के लिए पनौती बता दिया है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि राघव को परिणीति से शादी नहीं करना चाहिए था। बता दें कि ट्रायल कोर्ट ने मानहानि केस में समन जारी किया है और सेशन कोर्ट ने समन के ऑर्डर को भी जारी किया है। हाईकोर्ट ने राघव चड्ढा से कहा है कि वो अपनी याचिका के साथ एडिशनल डॉक्यूमेंट दायर करें। जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा की अदालत ने राघव चड्ढा की तरफ से पेश वकील से कहा कि वो याचिका में एडिशनल डॉक्यूमेंट जोड़े। अब मामले की सुनवाई 11 दिसंबर 2023 को होगी। 11 नवंबर 2023 को राव एवेन्यू कोर्ट के विशेष जज ने राघव चड्ढा को समन जारी किया था। अदालत ने राघव चड्ढा और सत्येंद्र जैन की उस अपील को ठुकरा दिया था जिसमें समन जारी करने के खिलाफ ऑर्डर देने की गुहार लगाई थी। अब ऐसे में राघव चड्ढा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और इसका पूरा पूरा कसूरवार परिणीति चोपड़ा को ठहराया जा रहा है। लोगों का मानना तो ये है कि परिणीति चोपड़ा राघव चड्ढा के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है।